कि वो सुबह 9:15 बजे ऊपर गए थे और 12:30 बजे पहुंचे थे। गाइस हमें तो लगा ही नहीं रहा कि ये विंटर सीजन चल रहा है यार। हम लोग यहाँ जा रहे हैं पते हर हर महादेव। हाँ तो सानिया क्या कहना चाहोगी भाई? हाँ इतना हाँप रहे हम लोग, पानी मत पी वाला, थोड़ा गला सूख गया पूरा। एंड हम लोग बस जा रहे हैं इन रास्तों से इन नज़ारों के मजे लेते हुए। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी गेट, जो कि आप लोग ये देख सकते हो, और यहां से मेरे हिसाब से चौरागढ़ कुछ 4 से 5 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने पढ़ा था उसके बारे में, तो 4 से 5 किलोमीटर है। बट हमने अभी जो लोकेशन मतलब इन लोग मैप लगा के रखते हैं कि यहाँ से चौरागढ़ 19 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो चौरागढ़ यहाँ से कुछ 10 या 15 किलोमीटर और है। तो अब देखते हैं अपन कि यहाँ से कितना है। और भाई वहाँ पे लिखा है पचमढ़ी कैंट, तो शायद आप लोगों को नहीं दिख पाएगा बट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा वो। चलो तो गाइस हम थोड़ा रॉन्ग साइड आ गए थे, हमें इस साइड जाना था और हम उस साइड जा रहे थे। राइट लोकेशन पकड़ लिए हैं और अभी चल रहे हैं उसी की तरफ। महादेव बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस आप लोग को बता दें कि पचमढ़ी गेट से अभी हम लोग 15 से 16 किलोमीटर तक आ चुके हैं और अभी तक हम लोग उसके चौरागढ़ के आसपास भी नहीं पहुँचे। सो गाइस अगर आप लोग आओ तो, अगर जैसे जो लोग बस से आ रहे हो तो या तो बाहर से कुछ कर लो, पैदल यात्रा यहाँ तो आप कर ही नहीं पाओगे, सच बात बताऊँ, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से। और सेकंड चीज़, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हो तो सबसे बेस्ट है, पर्सनल गाड़ी से आओ, सीधे गाड़ी वहाँ तक ले जाओ, वहाँ से कुछ 4 किलोमीटर और होगा। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं और फिर जैसे ही पहुँचते हैं आप लोगों को बताते हैं कि चौरागढ़ जहाँ हम गाड़ी खड़ी करेंगे वहाँ से कितना दूर है। तो जैसे कि आपने वाइट बोर्ड देखा होगा, अभी 6 किलोमीटर और है हम लोग महादेव, और जो चौरागढ़ है वहाँ से पता नहीं, महादेव से मेरे को लग रहा है 4 किलोमीटर दूर और होगा। तो महादेव 6 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर मतलब टोटल 10 किलोमीटर और बचा है। सो ऑल राइट गाइज, हम लोग को मंदिर दिखने लगा है। हम लोग करीब अभी 2-3 घंटे से गाड़ी से चल रहे हैं और हम लोग को यहाँ से मंदिर दिखने लगा है। आप लोगों ने, अगर मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी पेड़ हैं, तो मैंने पीछे से अभी एक वीडियो बनाया था, वो आप लोगों को अभी पीछे चला के बता देता हूँ कि मंदिर हम लोग को दिखने लगा है। एंड शायद वही है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर है और महादेव से वो 4 किलोमीटर दूर है, तो मेरे हिसाब से वही होगा। और अभी चलते हैं, हमें भी कंफर्म पता नहीं है, सानिया को भी कंफर्म पता नहीं है, बट अभी वहाँ चल के पता चलेगा कि कौन सा मंदिर है। गाइस जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे सारी जिप्सी गाड़ियाँ और जो पचमढ़ी मतलब पचमढ़ी के लोकल लोग हैं मतलब जो पेपरिया में रहते हैं, उनको यहाँ से बाइक में जाने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग भी जा रहे हैं, पीयूष ने बताया कि जो लोकल लोग हैं उनको जाने दिया जाता है और जो बाहर के हैं उनकी गाड़ी वहीं पे खड़ी करा ली जाती है। तो आप लोग आइए तो फिर देख लीजिएगा यहाँ पे। अभी हम लोग पता नहीं गाड़ी कहाँ तक ले जाते हैं, उन्होंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दिया है और यहाँ से हम लोग को पैदल जाना है। अब यहाँ से पैदल जाने पर मेरे हिसाब से 5 से 7 किलोमीटर है, क्योंकि मंदिर हमें काफ़ी दूर दिख रहा था। और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर अभी कितना दूर है यहाँ से। हमारी ट्रैकिंग अभी चालू हो चुकी है भाई, और यहाँ पर सब पैदल जा रहे हैं। और भाई मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अभी काफ़ी दूर है और काफ़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि हमने जहाँ से मंदिर देखा था वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर दिख रहा था और काफ़ी ऊंचाई पर था, और हम लोग तो काफ़ी अभी नीचे हैं। तो हमारी स्टार्ट ही हुई है अभी जर्नी, अब देखते हैं कि हम कितने टाइम तक वहाँ पहुँचते हैं। यहीं एक हनुमान जी की काफ़ी प्यारी मूर्ति है, तो जय श्री राम सबको, बहुत काफ़ी प्यारी लग रही है ये। ये यहाँ पर क्या है, काफ़ी भीड़ लगी है? गुप्त अच्छा, आएंगे ना। चलो ठीक है, तो भाई यहाँ के भी दर्शन करेंगे, अंदर एक गुफा है गुप्त महादेव की, वहाँ भी चलेंगे। सो गाइस अभी हमें एक आंटी और अंकल जी मिले थे, उन्होंने कहा कि वो सुबह 9:15 बजे ऊपर गए थे और 12:30 बजे पहुँचे थे। तो अब देखो अपन कितने टाइम तक पहुँचते हैं, हमें कहीं शाम ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर। गाइस अभी हम लोग आधी दूर आए हैं और हमें मंदिर यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, वो ऊपर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा बट हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अच्छा यहाँ से क्या भाई, हम गलत रास्ता जा रहे थे, यहाँ से भी नीचे जाना है एंड फिर ऊपर जाना है। गाइस हमें तो लगा ही नहीं रहा कि ये विंटर सीज़न चल रहा है यार, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई शरीर के अंदर ना, कि हमने अपना फुल ओवर उतार दिया है और अभी टी शर्ट में आ गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो।
तो भाई वहाँ से चिल्लाने की आ रही है हर हर महादेव, तो अपन भी चलते हैं और इस चीज़ को एंजॉय करते हैं वहाँ चल के, अपने महादेव से मिलते हैं। एक बार आओ, 1 2 3 ब्लैक कलर, वाओ ऑरेंज कलर, वाओ वाओ पीछे का कलर, ओ माय गॉड, आगे क्या ब्यूटीफुल, सो एडिटेड, जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ, वाओ लुकिंग लाइक का वाओ, मोए मोए। सो गाइस, अभी अपन चाल आ चुके हैं पहली पायरी चौरागढ़ मंदिर मार्ग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे त्रिशूल लगे हैं, शिव शुभ लिखा है यहाँ पे और हर हर महादेव। हम लोग यहाँ जा रहे हैं हर महादेव। यप, और गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी दिया, हमारी ऑरेंज येलो पांडा जो कि काफ़ी थक चुकी थी, तो पीयूष उसको अपनी बेताल बना के यहाँ तक लेके आया है। पीयूष ने जहाँ वो ब्लैक कलर की लड़की खड़ी वहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आया है। हैट्स ऑफ पीयूष, क्या बात है, अब तो पैदल चल ले यार, थक गई क्या बैठ के भी, आएगा रुक जाएगा, आएगा आएगा वो। चलो अभी ऊपर चलते हैं, राजा जैसे बैठे। हाँ चलो ऐसे तो बैठते हैं, ये बंदर बैठे हैं गाइस, खुजली कर रहे हैं। हाँ तो सानिया क्या कहना चाहोगी भाई, हाँ इतना हाँप रहे हम लोग कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही अंदर से। व्यू तो यहाँ के काफ़ी प्यारे हैं बट बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, दादा बहुत ज़्यादा हाँप रहे हैं। पीयूष भी नीचे बैठ गया है, दिया धीरे धीरे पैदल पैदल आ रही है और हमारी दीदी पैदल पैदल आ रही है। पानी मिल जाएगा, आप लोग व्यू देखोगे, सानिया दिया ये है मम्मी के पास है पानी, मम्मी पानी दे दो, पानी मत पीवा, थोड़ा गला सूख गया पूरा इतना, अच्छा पी ले। सो गाइज हम लोग करीब अभी 4 से 5 किलोमीटर चल लिए हैं और भाई हम लोग की बॉडी पूरी क्या बोलते हैं जवाब दे दी है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। और जब हम लोग इतना चल के आए हैं और हम लोग को मंदिर देखो कहाँ दिख रहा है, वो जितना हम लोग चल के आए हैं अभी उतना और चल रहा है, वहाँ मंदिर दिख रहा है भाई। रात होगी, रात आने में मेरे को लग रहा है पहुँचते शाम हो जाएगी। और सानिया तो बोल रही है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, ये बैठी सानिया थक के। अभी हम लोग कुछ नहीं यहाँ नीचे से बस यहाँ ऊपर आए मतलब फिर बैठ गए, अभी हम लोग वहाँ भी बैठे थे। चलो सानिया जल्दी जल्दी, नहीं तो टाइम हो जाएगा फिर, बैठे हैं ना दोनों, आ रहे हैं ना, चल आ जा। सो गाइस सानिया और मैंने डिसाइड किया है कि अब हम लोग कंटिन्यू चलेंगे और अभी हम लोग इस पहाड़ में हैं एंड मंदिर उस पहाड़ में है, तो हम लोग सीधे वो पहाड़ के जाके नीचे रुकेंगे। देखते हैं कि हम लोग सीधे वहीं रुकते हैं या फिर बीच में कहीं पे, वैसे तो हम लोग हार नहीं मानेंगे, सीधे उसके नीचे जा कर रुकेंगे। देखो देखो यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं बट यार कितना और चलना है ये हमें कुछ भी नहीं पता है अब, और यहाँ के नज़ारे देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और ऊपर जाना चाहिए और हम लोग अभी जाएंगे। दिया काफ़ी थक चुकी थी, पीयूष भी काफ़ी थक चुका था बट इनके अंदर भी कॉन्फिडेंट आ चुका है एंड हम लोग बस जा रहे हैं इन रास्तों से इन नज़ारों के मज़े लेते हुए। नहीं भाई है कि नहीं, ये देखिए आप लोग नज़ारे यहाँ के, हो मम्मी मैं पचपड़ी आ गया। और किस लगा है आवाज़ चिल्लाने यहाँ पे। सो बस कुछ ही वक्त और भोलेनाथ बाबा के पास हम सब होंगे।